इसकी तस्वीर बदलेगी। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ, पूज्य महाराज जी के साथ मैं कल था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैं कल शाम को था, आजमगढ़ को लेकर चर्चा हुई। महाराज जी ने कहा वहाँ जा रहे हो आप सांसद जी, का बोलबा? हम बोला महाराज जी वह बोलब जे आप हमके बतौला, जो आप हमरे लिए कैला, जे हमरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कैलन। हम लोग आजमगढ़ को बदलना चाहते हैं, यहाँ धोखा हुआ, छल हुआ, कभी यहाँ सांसद जी दिखाई नहीं दिए। जो भी यहाँ सांसद रहा, सपा पार्टी के जो भी रहे, न मुलायम जी न अखिलेश जी, कोई नहीं दिखाई दी। दिनेश लाल यादव का दावा मैं करता हूँ कि दिनेश यहीं रहेंगे, यहीं शूटिंग करेंगे और अपना रोजगार ईमानदारी से कमाएंगे, मेकअप लगा के, और जनता की सेवा निस्वार्थ करेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, कई साल से हम लोगों ने कई फिल्मों में भी काम किया, इसीलिए मैं दिनेश के लिए इतने दूर से आया हूँ। मैं अपना सारा काम छोड़ कर आया, हमारे बूथ की बहुत सारी, अभी 100 बूथों पर मुझे जाना था, लेकिन मुझे दिनेश को जिताने के लिए पार्टी के इस आदेश को स्टार प्रचारक के रूप में समस्त आजमगढ़ की धरती पर, समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने मैं रवि किशन सांसद ये कहता हूँ कि आजमगढ़ अब तक छला गया है, इतिहास गवाह है, और आजमगढ़ स्वयं जानता है कि उसके साथ अनगिनत बार धोखे हुए, जात के नाम पर, समाज के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। अब वो समय आ गया है कि उसको ध्वस्त करना है। एक मौका चाहिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी के लिए, एक मौका चाहिए मोदी योगी जी वाली पार्टी के लिए, एक मौका चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके लिए। आज आके देखिए गोरखपुर स्वर्ग हो गया, आज एम्स से लेके हर चीज है हमारे पास। गोरखपुर में 19 जैसे हम चुनाव जीते, 3 साल में गोरखपुर की तस्वीर बदल गई, आप लोगों के समक्ष है। आप लोग मेरे ट्विटर को, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को रोज देखते हैं। मैं